देखिए सारा ग्रे पैरेट बैठा हुआ है, कितनी बड़ी क्वांटिटी में बैठा हुआ है, भरा पड़ा है यहाँ पे। ऑयली शाइन आ रही है, चमक, एक बहुत खूबसूरत चमक आ रही है इस बर्ड के अंदर। न्यूट्रिशन इसकी रिक्वायरमेंट पूरी है यहाँ पे काफी सारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। मेरे शोल्डर पे कौन सा बर्ड बैठा हुआ है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि खुद ही आगे बैठ गए। यहाँ पर आपको कार्लेट मकाओ के पट्टे नजर आ रहे हैं, पट्टे यहाँ पे बर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बर्ड देखूँ कौन सा, मैं कौन सा बर्ड आगे बैठा है मेरे शोल्डर पे मुझे नजर नहीं आ रहा इस टाइम। तो सर सीन ये है, सिचुएशन ये है कि आपका भाई है गुजरांवाला में जुबैर भाई के पास, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा सेटअप यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर मैंने अभी तक नहीं देखा। यहाँ से आपको हर म्यूटेशन, हर नस्ल का बर्ड मिल जाएगा अगर आप लोग लेना चाहें तो। तो वीडियो के अंदर आगे चल के आप लोगों को ये भी बताया जाएगा इनसे रब्ता किस तरह से हो सकता है, यहाँ पर आप आके देख के पसंद किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से बर्ड अपने लिए लेके जा सकते हैं, कौन कौन सा बर्ड यहाँ पर इस टाइम मौजूद है उसके बारे में बताया जाऊंगा। और बिल्कुल एक जंगल नुमा माहौल बना हुआ है जिसके अंदर हर ब्रीड का एक एक इन्होंने, बल्कि एक एक नियार को तकरीबन 10-15 इन्होंने पेयर छोड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ से हम शुरू करेंगे और सदाम भाई को साथ लेके चलेंगे अपने, और पूछेंगे यहाँ पे कौन कौन सा बर्ड इस टाइम आपको नजर आ रहा है। सदाम भाई इस तरह मुंह करो जरा प्लीज आप। अच्छा, ये है भाई हमारे ACP के इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो इनसे आज हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे जुबैर भाई के फार्म के ऊपर। सदाम भाई ये तो सबको पता है अफ्रीकन ग्रे पैरेट है, लेकिन हम इस तरफ आते हैं, ये पट्टे कौन से बैठे हैं, इस तरफ आए जरा। ये स्कारलेट मकाओ। स्कारलेट मकाओ, और ये भी बच्चे हैं ना? हाँ, ये बच्चे लग रहे हैं। कितनी उम्र होगी इनकी? ये देखने में मेरा ख्याल 2-3 साल के तो है। और कितने साल में स्कारलेट मकाओ ब्रीड करता है? स्कारलेट मेरा ख्याल है 6-7 साल में जो है वो स्कारलेट ब्रीड। सदाम भाई दर्जन केले आपने खाए हैं लेकिन फिर भी इनकी आवाज नहीं निकल रही है, एक दर्जन केले खाने के बाद भी, तो क्या कर सकते हैं हम? आप बेसिकली क्या है, इसकी मोस्टली इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जुबैर भाई देंगे। हाँ हाँ, क्योंकि डेफिनेटली मैं तो एक लबर्ड ब्रीडर हूँ उस तरीके से। यार आप इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं, ऐसे ना करें। लेकिन ये है कि मैं आपको इनके नाम वगैरह, इनकी स्पीसीज बता सकता हूँ। जैसा कि ये है, ये देखिए ब्लू एंड गोल्ड है। अच्छा, ये ब्लू एंड गोल्ड है, ठीक है, ब्लू एंड गोल्ड है। इसके अलावा आपके शोल्डर पे ये काकाटू की फैमिली में से है, इसमें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ब्लू एंड गोल्ड को इन्होंने खाने में क्या दिया हुआ, पहले मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर एप्पल हैं, उसके अलावा कॉर्न है, उसके अलावा काले चने हैं, सेब, हाँ सेब हैं, बीच में काफी सारी चीजें हैं। सदाम भाई थोड़ा साथ हों, लेफ्ट हों थोड़ा, ये देखें। सदाम भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं एक बात हमेशा कहता होता हूँ, भैया साढ़े नाल रवोगे थे ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे। भाई हमें ज्वाइन कर लें आप लोग टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इस तरह के मजेदार किस्म के कंटेंट लाता रहता है, और अगर इसे मुझे बाइट किया तो लग पता जाएगा। ये देखो ऊपर कितने सारे ग्रे पैरेट उड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे सदाम भाई इस तरफ आए जरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरफ आए जरा, माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो है वो। ओए कितने सारे हैं ये काकड़ू? इसे मैं क्या मीडियम सल्फर कहते हैं। ओके ठीक है, या ट्राइटोन कहते हैं या मीडियम सल्फर कहते हैं, सही है। अब मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है ये कौन से हैं, लेकिन ये बेसिकली काकड़ू की फैमिली है। अच्छा, सबसे मजेदार चीज क्या हुई है कि अंदर आते साथ ये वाला बर्ड सदाम भाई मेरे ऊपर आगे एकदम से बैठा है, और मुझे एकदम से मैं चौकस हूँ कि ये आया क्या मेरे ऊपर, यार ये क्या चीज थी। अच्छा, वो आप सामने देख सकते हैं ग्रीन कलर का बर्ड है, कहाँ पे? वो सामने एक बर्ड अफ्रीकन ग्रे के साथ बैठा है। उधर चलते हैं, उधर चलते हैं, लेकिन उसे पहले ये दिखा दें यार, ये यहाँ पर मकाओ के पीस बैठे हुए हैं। और सदाम भाई इतने ज्यादा करीब से हमने कभी मकाओ के इतना रिलैक्स नहीं देखा, और इतनी बड़ी ओपन एवरी के अंदर आज तक नहीं देखा। जो बड़ी बात है इतनी क्वांटिटी में नहीं देखे, कहीं अगर देखे भी है कोई एक बर्ड दो बर्ड इस तरह करके बर्ड देखे, मैंने इतनी करीब से कभी मकाओ को इतनी ओपन एवरी में नहीं देखा। और ये आ गया हमारा काकाडू, यहाँ पे बाघू पे मेरे आ गया। सदाम भाई इसे गोद ले लें आप जरा प्लीज। चलो भाई जाओ पापा के पास अपने। अच्छा जी, ये आ गया सदाम भाई के पास, इस तरफ थोड़ा लेफ्ट आए जरा, आप थोड़ा सा लेफ्ट आए, चलते चलते ये ब्लू एंड गोल्ड बैठे हुए हैं। ये ब्लू एंड गोल्ड है, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखे, ये भी एक मकाओ की स्पीशी है। अच्छा, मकाओ की स्पीशी माशाल्लाह से नजर आ रही है। अब इसके अंदर मकाओ है, ब्लू एंड गोल्ड पड़े हुए हैं, इसमें अमेज़न बैठा हुआ है, मकाओ बैठा हुआ है, मिनी मकाओ, फिर ये ब्लू एंड गोल्ड है, स्कारलेट है, उसके बाद ग्रे पैरेट है, उसके बाद सल्फर काकड़ू है, उसके बाद यहाँ पे रिंगनेक्स हैं, वो बहुत सारे रा पैरेट बैठे हुए हैं। कहते नहीं है कि एंड हो गई है, बस ये समय लेके एंड हो गई है। यहाँ पे हर ब्रीड है। ऊपर हम लोग गए थे सदाम भी, ऊपर क्या क्या हमने देखा है?
ऊपर जो है वो काकाटूस थे, उसके अलावा इलेक्ट्रस थे, रा थे, रिंगनेक थे और लोरीज भी थी, उसके अलावा सन क्रोर थे, क्रोर की दो तीन फैमिली थी ऊपर। अच्छा पता क्या सीन है, अभी जुबैर भाई भी आ चुके हैं, कहीं दो मिनट के लिए गए थे हमने, वीडियो शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, बहुत मजा आया सीरियसली यार, मैंने अपनी लाइफ में पूरी में इतनी करीब से और इतने ज्यादा जो इजी बर्ड्स हैं मैंने नहीं देखे। मतलब मकाओ के पास जाते हैं तो चीख मारता है बहुत ऊंची या डर के भाग जाता है। और सबसे बड़ी बात ये ब्रीडिंग के लिए है, ये ब्रीडिंग के लिए बर्ड हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बर्ड्स मेरे पीछे नजर आ रहे हैं ये ब्रीडिंग के लिए हैं। हालांकि अगर आप लोग घर में रहते हैं, आप उनके केज के पास जाते हैं, वो चीखे मारते हैं, वो आप लोगों को पागल कर देते हैं। क्यों सुबैर भाई? लेकिन ये डर के चीख नहीं मारेंगे, ऐसे ही है ना? ये एक्चुअली मेरे अपने फार्म की ब्रीड है जो मैंने फर्दर ब्रीडिंग के लिए रोकी हुई है। ये कितनी उम्र से कितनी उम्र तक का बर्ड है यहाँ पे? ब्लू एंड गोल्ड यहाँ पर 3 और 4 साल की एज के दरमियान के बर्ड है। सही है। और 3 साल में ब्लू एंड गोल्ड मैच्योर हो जाता है। ठीक है। बाकी मकाओ, हर मकाओ की अपनी भी मैच्योरिटी एज है, लेकिन ब्लू एंड गोल्ड 3 साल में मैच्योर है। ये ब्लू एंड गोल्ड है ना? जी, ये फुल साइज में बैठे हुए हैं। यहाँ से करीब से जाके मैं दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर ब्लू एंड गोल्ड का हमें पेड़ नजर आ रहा है, बड़ा अच्छे खासे साइज के अंदर है। ये कितने साल का होगा सुबैर भाई? ये तकरीबन 6 साल का बर्ड है, ये इसमें बड़ा पेयर है। ये बड़ा पेयर है और ये ब्रीडर है? ये ब्रीडर है। अच्छा, अगर किसी दोस्त को ये वाला ब्रीडर पेयर चाहिए हो तो ये मिल जाएगा? नहीं, अपने शौक करने के लिए। बर्ड फिर से मेरे शोल्डर पे आगे बैठ गए। यार जुबैर भाई, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा फार्म खाली आपका ही दिखाया गया है, ये क्या बात ठीक है या मुझे लग रहा है? एक्चुअली मैं मकाओ में ज्यादा काम करता हूँ, मकाओ की ब्रीडिंग पे बहुत थोड़े फार्म है और अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला ने मुझे इसमें बड़ी कामयाबी दी है और मेरे पास अच्छी क्वांटिटी में मकाओ के ब्रीडर पेयर मौजूद है। ठीक है, तो यानी कि हम इसको पाकिस्तान का सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा फार्म कह सकते हैं। ये जरूर कह सकते हैं कि जो मकाओ की प्रोडक्शन है, जो इसके बेबीज हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह के फजल सबसे ज्यादा मेरे पास होते हैं भैया। लेकिन हमारा लोगो इस बार फिर से लगेगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आपको ब्रीडिंग फार्म दिखा रहे हैं। आपको पता है आपका HSN वाला भाई जब भी दिखाता है क्वांटिटी और क्वालिटी एक साथ दिखाता है, तो आज फिर से यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी आपको साथ नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह के आप लोग बड़ी ऑस्ट्रेलियन तोतों की कलोनी में जाते हैं ना, उस तरह से इन्होंने मकाओ की यहाँ पे कलोनी पूरी लगाई हुई है। आप ये देखिए कि आप इस बर्ड को फोकस करें, इसके फीडर पे आपको ऑयली शाइन आ रही है, चमक, एक बहुत खूबसूरत चमक आ रही है इस बर्ड के अंदर। न्यूट्रिशन इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी है यहाँ पे। सही है, बिल्कुल। आपको कोई बर्ड भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके फीडर में शाइन नहीं होगी। बर्ड ऐसे हैं जिनकी आपको थोड़े से लग रहे हैं कि टेल्स आने वाली है, वो बच्चे हैं अभी। अच्छा, वो उम्र में पूरे नहीं है अभी। अच्छा, यहाँ पे रिंगनेक्स भी बहुत सारे हैं व्हाइट कलर के। जुबैर भाई, ग्रे पैरेट किस उम्र का है यहाँ पे? यहाँ पे 40 पेयर एवरी में ग्रे पैरेट के हैं सर, जिसमें से कोई 32 के करीब अडल्ट हैं, बाकी मैंने अपने ब्रीड के रखे हुए हैं। अभी तक ग्रे पैरेट क्योंकि 5 साल में जाके अडल्ट होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने फार्म की ब्रीड को मैं आगे ले आऊँ और उनको ब्रीड के आ सकूँ। दो तीन हैं, थोड़ा सा आगे और चलेंगे, इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर। अच्छा, एक आपके पास बर्ड है जो कि फौरी तौर पर शेड में आते सर कंधे पे आगे बैठ जाता है, वो काकाटू है, लिटल करेला, वो बहुत। और मुझे पहले 2 से 2.5 मिनट तक पता ही नहीं चला वो बर्ड है कौन सा। वो आपके कंधे पे आएगा, मेरे पास नहीं आएगा। रीजन क्या है? सॉलिड रीजन को देना। रीजन ये है कि वो एवरी का बदमाश है। अच्छा, सब पे कब्जा जमा के रखता है। कोई बर्ड अंदर छोड़ता हूँ तो वो उससे लड़ने फौरन आ जाता है। हाँ हाँ, तो मैं उसको सजा देता हूँ, जब मैंने बर्ड नया छोड़ना तो मैं 7 दिन के लिए उसे दूसरे केज में बंद कर देता हूँ। वो आपसे बचता है इसलिए हमारे शोल्डर्स पे आ रहा है। अगर आपको मेरे पीछे पूरी की पूरी ग्रे पैरेट की भी कलोनी नजर आ रही होगी, ग्रे पैरेट की पूरी कलोनी नजर आ रही होगी, ये ऊपर देखें कितनी क्वांटिटी के अंदर ग्रे पैरेट है। आप एवरी इतनी बड़ी है कि मैं सही से इसको पूरा कवर भी नहीं कर पा रहा, लेकिन आप एक चीज को अगर नोट देखें, सारा ग्रे पैरेट बैठा हुआ है, कितनी बड़ी क्वांटिटी में बैठा हुआ है, भरा पड़ा है यहाँ पे। मकाओ की भी क्वांटिटी देख ली, ग्रे पैरेट की भी क्वांटिटी देख ली। अगर आप लोग यहाँ से कुछ अपने दोस्तों के लिए लेना चाहते हैं, अपने शौक के लिए, अपने घर के लिए कुछ भी लेना चाहते हैं, पैर भाई रब्ता किस तरह से होगा? अगर कोई भी यहाँ से पेयर किसी को चाहिए हो तो किस तरह से रब्ता होगा? 0300-842-7071 कॉन्टेक्ट नंबर है। और किसी किस्म की अगर आपको मालूमात भी चाहिए किसी बर्ड के हवाले से तो आप तब भी रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और आप सबसे बेहतर है कि व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे दें, मैं इंशाल्लाह ताला आपका जवाब जरूर दूंगा। कि आपके भाई का फिर एक बार भाई आपके कंधे पे आके बैठ चुका है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।